हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम लोग आपको फीडिंग मैकेनिज्म एंड बाइटिंग मैकेनिज्म के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्नेक में फीडिंग मैकेनिज्म के लिए कौन कौन से अडॉप्टेशन हुए हैं जो कि आपके और एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं। ऐसी क्या वजह है, ठीक है, कि जो आपका स्नेक होता है वो अपने से दो गुना ज़्यादा बड़े एनिमल को जो है वो इनगल्फ कर सकता है, ठीक है, अपने से दो गुना ज़्यादा बड़े एनिमल को स्वेल कर सकता है, मीन्स डायरेक्ट निगल सकता है, ठीक। जबकि अगर आप अदर एनिमल्स की बात करें, मैमल्स में या आप ह्यूमन की बात करें, तो हम एक निश्चित दूरी से ज़्यादा अपने जो है दोनों माउथ को ओपन नहीं कर सकते। हम लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा अपने माउथ को ओपन नहीं कर सकते हैं। हम एक बहुत ही जो है लिमिटेड साइज़ के ही प्रोडक्ट जो है फूड को खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम आप किसी भी बहुत ही सिंपल अगर आप समझिए, तो किसी भी चीज़ को जब आप खाते हैं तो खाने के बाद यहाँ हमारा एक जो है गले के पास एक इस तरीके से लटकता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। ये एपिग्लॉटिस आपके ग्लॉटिस वाले पोर्शन को बंद कर देता है, मीन्स हमारे ट्रैकिया वाले पोर्शन को बंद कर देता है, जिससे हमारा जो भोजन है, ठीक है, जो हमारा फूड है वो सीधे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ही जाता है, हमारे कभी भी जो है ट्रैकिया में फूड नहीं जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस जो है हमारे ट्रैकिया वाले रास्ते को बंद कर देता है। आप जब भी देखेंगे, सपोज ये हमारा माउथ है, हम जब भी किसी चीज़ को खाते हैं तो वो इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा फूड पाइप है, सपोज ये हमारा फूड वाला पाइप है, मीन्स हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पाइप है, तो इसी के बगल से यहाँ पे ही, ठीक है, यहीं पे ही हमारा ट्रैकिया का इस तरीके से ट्रैकियल सिस्टम भी पाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ग्लॉटिस इस तरीके से ऊपर से लटका रहता है जो कि इसको बंद करने का काम करता है। तो जब भी आपका फूड आता है तो खाने के बाद फूड सीधे हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, ना कि हमारे ट्रैकिया में जाता है, ठीक। तो हम क्या होता है कि एक लिमिटेड साइज़ की चीज़ को ही खा सकते हैं जो कि हमारे जिससे वो एपिग्लॉटिस से पास होता हुआ, ठीक है, चला जाए। यहाँ पे ना तो हमारी जो लोअर जॉ की बोन्स हैं वो तो बिल्कुल टाइट कॉम्पैक्ट हमारे पास अरेंजमेंट है, ठीक है, हम एक निश्चित दूरी से ज़्यादा इसको ओपन, अपने माउथ को वाइडर ओपन नहीं कर सकते, ना ही हम कोई बहुत बड़ी चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा या कोई चीज़ को आप निगलने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, ये यहाँ पे ट्रैकिया के पास ही हमारा स्टर्नम पाया जाता है, ठीक है, जो कि बोनी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे बिल्कुल हार्ड देखा जाए तो ये सामने से देखिए बिल्कुल हार्ड हमारा स्टर्नम होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल को हम इनगल्फ नहीं कर पाएंगे। तो होप सो आप बात को समझ रहे होंगे। इसी तरीके से सारे एनिमल्स में होता है, बट स्नेक के पास कुछ अडॉप्टेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे अडॉप्टेशन यहाँ पे हो चुके हैं कि जिसकी वजह से स्नेक, ठीक है, अपने से दो गुना बड़ी चीज़ों को भी इनगल्फ कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास अब जब ये अपने से दो गुना बड़ी चीज़ों को इनगल्फ करेगा, इट मीन्स कि इसका जो ग्लॉटिस वाला पोर्शन है वो भी ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसकी टंग भी बहुत जो है बिल्कुल आप देखेंगे पास में होगी, ठीक है। तो और तीसरी चीज़, इसके पास वो हार्ड यहाँ पे, ठीक, जो भी इसका ट्रैकियल सिस्टम है वो इतना हार्ड नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे स्टर्नम अब्सेंट होगा। तो इस तरीके से हम वन बाय वन करके यहाँ पे बहुत सारे अडॉप्टेशंस देखेंगे जो कि स्नेक में पाए जाते हैं, कि ताकि जिससे वो बहुत ही बड़े फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर सके या स्वेल कर सके। द फर्स्ट अडॉप्टेशन इज द टू रामी ऑफ लोअर जॉ, ठीक है। तो रैमस मीन्स या रामी ये चीज़ होती है हमारी, दिस बोन इज कॉल्ड रैमस, ये वाली बोन, ठीक है, ये जो बोन है दिस इज कॉल्ड रैमस। तो यहाँ पे क्या होता है लोअर जॉ में, ये हमारी रैमस बोन, ये बिल्कुल फिक्स है हमारे यहाँ, कनेक्टेड है, ठीक है, बिल्कुल टाइटली कनेक्टेड है। अगर आप अपने रैमस की बात करेंगे तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे टीथ लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये हमारा माउथ है, ये सपोज ये हमारा माउथ है, टीथ लगे हुए, तो ये हमारी जो बोन है दिस इज कॉल्ड रैमस बोन। तो हमारी जो ये दोनों रैमस बोन है, ठीक है, ये हमारी बिल्कुल कनेक्टेड है, टाइट कनेक्टेड है, ठीक। बट यहाँ पे जो ये रैमस है इसका, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड रैमस, ठीक है, ये आपका रैमस पोर्शन है। तो ये स्नेक में जो रैमस पोर्शन है, दिस रामी ऑफ लोअर जॉ लूजली कनेक्टेड एंटीरियरली बाई एन इलास्टिक लिगामेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ही लूजली कनेक्टेड है, ठीक है, जिससे ये क्या होगा, लेटरली बहुत एक्सपेंड हो सकती है, मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये दोनों दिशाओं में, ठीक है, इस तरीके से दोनों दिशाओं में एक्सपेंड हो सकती है, ठीक।
जबकि आप अपने माह किसी चीज़ को खाएंगे तो ये अपनी पोजीशन से हिलेंगी नहीं, हम चाहे कितना भी चाहें, हमारे यहाँ निश्चित ये बिल्कुल इसकी दूरी निश्चित है, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट है, यहाँ कोई लूज कनेक्शन नहीं है, हम जितनी कोई भी चीज़ खाएंगे तो जितना हमारा इसका साइज होगा उतनी ही बड़ी चीज़ को हम माउथ में इनगल्फ कर सकते हैं, बट ये यहाँ पे लूजली कनेक्टेड है तो ये इस तरीके से काफ़ी दूरी में इस तरीके से फैल सकती है, ठीक है। लेटरल एक्सपेंशन इनके पास है, ठीक है, दे परमिट्स द लेटरल एक्सपेंशन, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत लूज लिगामेंट से कनेक्टेड है दिस रामी, इसीलिए ये लेटरली भी जो है, ठीक है, काफ़ी फैल सकती है, माउथ को काफ़ी फैला सकती हैं। तो पहला आपको जो है एडॉप्टेशन समझ में आया होगा, द नेक्स्ट एडॉप्टेशन इज अब, तो लेटरल एक्सपेंशन तो हो गया, अब हमको देखना है कि जो कनेक्शन है बोन्स का, इस बोन का कनेक्शन, ठीक है, वो कैसा है। तो द लोअर जॉ इज लूजली अटैच्ड पोस्टीरियरली टू द क्वाड्रेट बोन, ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे दिस इज द क्वाड्रेट बोन। अभी हम लोग अगर यहाँ पे ब्रेन को बनाने लगे तो ये क्वाड्रेट बोन है, ये जगह वाली, ठीक है, यहाँ आपकी क्वाड्रेट बोन है। तो जो क्वाड्रेट बोन के साथ लोअर जॉ का कनेक्शन है बहुत लूज है, ठीक है, हम लोगों ने जब इससे पहले प्रीवियस वीडियो में करेक्टरिस्टिक ऑफ रेप्टिलिया पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि क्वाड्रेट इज मूवेबल, ठीक है, ऑलरेडी आपका क्वाड्रेट मूवेबल बोन है तो ये भी आपकी मूव कर रही है, लूज कनेक्शन है, तो जब ये चीज़ मूव कर रही है तो हम माउथ को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स यहाँ पे कुछ इस तरीके की मसल्स पाई जा रही हैं जो इन बोन्स को बहुत ही लूज कनेक्ट करके रखती हैं, ठीक है, जिससे ये माउथ को एक्सपेंड कर सकता है। तो क्वाड्रेट बोन से इनका जो अटैचमेंट है लोअर जॉ का बहुत लूज है, और क्वाड्रेट बोन का ब्रेन के साथ, सॉरी, क्वाड्रेट बोन का स्कल के साथ बहुत ही लूज कनेक्शन है, ठीक है, खुद स्कल के साथ भी क्वाड्रेट बोन का लूज कनेक्शन है। तो ये जो आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दिस, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका माउथ को बहुत ही वाइडली ओपन करने के लिए जो है, एक्सपेंड करने के लिए अलाउ करता है। तो अभी फर्दर जब हम आपको बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कैसे ये मसल्स की सहायता से बहुत ज़्यादा अपनी बोन, एक बोन दूसरी बोन को पुश करेगी, ठीक है। यहाँ पे बोन की पोजीशन, सपोज ये कोई चीज़ अभी ऐसे है, यहाँ पे कनेक्टेड है दिस कनेक्शन, तो यहाँ पे ये बिल्कुल खोलने के लिए, ठीक है, जैसे ही ये मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने मसल को जो है थोड़ा सा दबाया, मसल पे दबाव पड़ा, माउथ खुलता चला जाता है, यहाँ की जो मसल्स होती हैं वो खुलती हैं, तो एक बोन जो है दूसरी बोन को धक्का देती है, ठीक है, वो अपर जॉ को धक्का दे देती है, मैंडिबल को, तो इस तरीके से मैक्सिला को धक्का दे देती है, इस तरीके से मैक्सिला आपका बिल्कुल 90 डिग्री पर हो जाता है, और जैसे ही मैक्सिला 90 डिग्री पर हो जाएगा ये बोन अपने, ये माउथ जो है बहुत ज्यादा वो जो है एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आप इस लूज अरेंजमेंट को समझ रहे होंगे, कैसे ओपन होगा मसल्स के साथ वो अभी हम कमिंग आपको इस वीडियो में बताएंगे, अभी आप केवल अडॉप्टेशन को ध्यान से समझिए। द थर्ड अडॉप्टेशन इज बोन ऑफ पैलेट इज मूवेबल, ठीक है, तो यहाँ की जो पैलेट का मतलब होता है कि हमारे जो अपर जॉ है, अपर जॉ की जो बोन्स है, ठीक है, ये दिस वन, जहाँ पे आप अपने जीप से ऊपर टच करिए, ठीक है, अपने अपर जॉ को टच करिए, तो जो यहाँ पे ऊपर की तरफ जो बोन है उसको हम लोग पैलेट बोन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी पैलेट बोन है, वो पैलेट बोन जो है अभी हम देखेंगे आगे आने वाले सेगमेंट में, टेरागोइड, तो टेरागोइड, ठीक है, लैक्राइमल, तो ये सारी बोन्स जो है वो आपस में जो है बिल्कुल मूवेबल है, ठीक है, मूव कर सकती हैं। तो जब क्वाड्रेट इस तरीके से जब माउथ ओपन होगा तो क्वाड्रेट धक्का देगी, ठीक है, हमारी पैलेट बोन्स को, तो पैलेट बोन, यहाँ पे कई सारी पैलेट बोन है तो जो हम आपको आगे बताएंगे, तो पैलेट बोन जो है मूव करेंगी जिससे हमारा माउथ जो है वो स्नेक का एक्सपेंड होगा। तो स्नेक में आपका पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल दोनों ही एब्सेंट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे फीडिंग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग पेक्टोरल गर्डल को काफ़ी इंपॉर्टेंस से ले रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे हैंड वाला जो हमारा ये गर्डल होता है, मैंने आपको बताया ये आगे का गर्डल जिससे हमारा हैंड अटैच होता है हमारा वर्टिबल कॉलम से, तो पेक्टोरल गर्डल कहलाता है। तो स्नेक्स में यहाँ पे कोई भी गर्डल नहीं पाए जाते हैं, और जब यहाँ पे कोई गर्डल बोन नहीं होगी तो जो आप जो हमारा ये पोर्शन है खाना जाने का, ठीक है, तो ये पूरी तरह से फ्री है, लूज है, ठीक है, ऊपर की तरफ डॉर्सल की तरफ तो पूरा ही लूज हो गया, क्योंकि अगर पेक्टोरल गर्डल होता तो यहाँ कहीं प्रेजेंट होता,
ठीक है। तो अब यहाँ पे कोई लिम्स नहीं है इसके पास, लिम्बलेस होता है, तो ड्यू टू द लिम्बलेस यहाँ पे ना तो पेक्टोरल गर्डल है ना पेल्विक गर्डल है, ठीक। तो गर्डल्स अब्सेंट होने की वजह से भी कोई भी जो अपने से दोगुना बड़ी चीज को इसने स्वेल किया तो वो आगे जब माउथ से अंदर की तरफ मीन्स ओएसोफेगस से होती हुई जब इंटेस्टाइन की तरफ जाएगी तो वो चीज धीरे धीरे पास होती चली जाएगी क्योंकि गर्डल्स आर अब्सेंट। कोई भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, कोई भी हैंड कोई भी लिम्ब के लिए गर्डल स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस तरीके से ये इट इज़ द वेरी, तो हम बात करें दिस इज द एडॉप्टेशन फॉर द फीडिंग इन स्नेक्स। तो नेक्स्ट है आपका 5, स्टर्नम इज अब्सेंट, ठीक। तो ऊपर की तरफ हम लोगों ने देख लिया गर्डल नहीं है, ठीक है, गर्डल्स नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टर्नम भी अब्सेंट है और जो वर्टिब्री है आपकी, ठीक है, जो भी आपकी रिप्स हैं, ठीक है, जो भी रिप्स हैं आपकी वो रिप्स फ्री हैं, ठीक, वेंट्रल साइड में वो रिप्स फ्री हैं, ठीक। तो स्टर्नम इज अब्सेंट, तो स्टर्नम अब्सेंट, नीचे की तरफ आपका स्टर्नम नहीं है, ठीक है, ये हमारा स्टर्नम होता है जिससे इस तरीके से मैंने आपको बहुत बार बताया है वीडियोस में, इस तरीके से स्टर्नम है, हमारी रिब्स आकर के इस तरीके से स्टर्नम में अटैच होती है, ये हमारा रिब केज है मीन्स पसलियों का, ठीक है, केज है, ये पसीलियाँ हमारी आकर के जिस हड्डी से अटैच होती हैं, दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम बोन। तो यहाँ पे आपका स्टर्नम अब्सेंट है और जो भी रिब्स हैं वो वेंट्रल साइड में फ्री हैं, ठीक। तो स्टर्नम अब्सेंट होने की वजह से भी यहाँ पे कोई नीचे की तरफ भी बोनी स्ट्रक्चर नहीं बचा जो कि आपके फूड को पास होने से रोके, ठीक है, माउथ के बाद जो है नीचे माउथ ओएसोफेगस में, ओएसोफेगस के बाद आगे फूड को जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज स्टर्नम इज अब्सेंट इन स्नेक्स। तो नेक्स्ट एडॉप्टेशन है आपका, दिस एडॉप्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन इन स्नेक्स की जो इसकी ग्लॉटिस है, ठीक है, और जो टंग है, ठीक। अगर आप खुद सोचिए अगर हमारा ग्लॉटिस मीन्स हमारा जो प्लेस है ट्रैकिया में हवा जाने के लिए सांस लेने के लिए वो आके कहीं अगर यहाँ बिल्कुल हमारे बिल्कुल आगे होता माउथ में और हमारी जीभ बस थोड़ी सी बाहर निकली होती तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ठीक है। अब हम क्या करेगा, इसका जो यहाँ कहीं ग्लॉटिस होता, सपोज यहाँ कहीं ग्लॉटिस होता स्नैक का और यहाँ पे कहीं आपकी टंग होती तो फूड आता और वो ग्लॉटिस में भी जा सकता था, ये प्रॉब्लम होती पहले, तो टंग भी इंटरप्ट करती फूड को अगर यहाँ टंग होती तो, ठीक है, इंटरप्ट करती ना, तो ग्लॉटिस आपका जो है पीछे की तरफ है ना ही टंग आपका पीछे की तरफ है स्नैक्स में, टंग और ग्लॉटिस दोनों बिल्कुल एंटीरियरली और लोअर जॉ के बोन अगर हम बात करें टीथ के ठीक पीछे, ठीक है, आपका बिल्कुल आगे की तरफ सिचुएटेड है माउथ में, स्नेक के बिल्कुल शुरुआत में ही आपका ग्लॉटिस और टंग सिचुएटेड है, ठीक। तो अब क्या होगा, जो भी आपका एयर होगी वो ग्लॉटिस से ट्रैकिया में होते हुए अपना अंदर जाएगी, ठीक, और जो फूड होगा वो डायरेक्ट उसको एक वे मिल गया, ठीक है, अंदर जाने के लिए, ठीक। तो दिस इज द वेरी, अगर हम बात करें तो दिस एडॉप्टेशन इज फॉर द एक्सपेंडिंग ऑफ माउथ एंड फॉर द स्वलोइंग ऑफ बिग पार्टिकल्स बाई स्नेक्स। तो अब फॉर द स्वलोइंग ऑफ बिग पार्टिकल्स इन स्नेक, तो स्नेक में ये हेल्प करता है ये एडॉप्टेशन आपका कि वो बड़े से बड़े पार्टिकल को इनगल्फ, बड़े से बड़े पार्टिकल को स्वेल कर सके, इसीलिए आपका जो ब्रीदिंग होगी, ठीक है, अब जो सांस लेना है वो इंटरफेयर होगा ही नहीं, ठीक। आपका जो भी, अब सपोज ये इसका माउथ खुला हुआ है, ये पेन इसने इनगल्फ कर लिया, तो अब पेन या सपोज ये मेरा हैंड इनगल्फ कर लिया तो ये मेरा हैंड धीरे धीरे अंदर की तरफ ही चला जाएगा और ये यहाँ से तो सांस ले ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इसे नहीं आएगी, मतलब ओएसोफेगस के पास बकल कैविटी में पीछे ओएसोफेगस के पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फूड को स्वेल करने के लिए इन जो है स्नेक्स। तो जो अगला वाला आपका एडॉप्टेशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एडॉप्टेशन है फॉर ये ब्रीदिंग से रिलेटेड है। तो जो आपका सपोज, अब मैंने जैसे आपको बताया कि सपोज ये मेरा हैंड इनगल्फ कर रहा है, ठीक है, अब ये मेरे हैंड को इनगल्फ कर रहा है तो आप सोचिए एयर आपके ट्रैकिया में तो एयर जा रही है, ठीक, बट अगर सपोज यहाँ मेरा हैंड रुक गया है तो ऐसा ना हो कि ये जो है इतना बड़ा होने की वजह से ट्रैकिया को धक्का दे दे, ठीक है, मतलब ट्रैकिया को जी चिपका सकता है भाई, ट्रैकिया को धक्का दे देगा, ट्रैकिया को कि यहाँ की जो मसल्स होंगी वो बिल्कुल चिपक जाएंगी, बट आपका जो कार्टिलेज होता है, ये जो आपका ट्रैकिया होता है, ठीक है, जो ट्रैकिया होता है वो आपका हार्ड कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है, तो कार्टिलेज से बना होने की वजह से ये रिमेन ओपन रहता है, ठीक है, पूरी तरीके से आपस में चिपकता नहीं है, जो ये मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, ये आपस में चिपकता नहीं है और ओपन रहता है, ठीक है, ये ओपन रहता है और एयर जो है इसके अंदर ट्रैकिया के अंदर पास
होती रहती है। ठीक है, तो ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है ट्रैकिया, जो प्रिवेंट करता है कि वो क्लोज ना होने पाए और एयर उसमें जो है पास होती रहे जब भी आपका कोई एनिमल यहाँ पे स्वेल किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना भी ये कमजोर नहीं है, यहाँ पे स्टर्नम भले ही नहीं है लेकिन ट्रैकिया जो है वो कार्टिलेज का बना हुआ है, जिससे कि वो उतनी दूरी को, सपोज ये इतना पतला है, ठीक है, सपोज पेन के बराबर पतला है तो यहाँ पे ये एयर जा रही है तो वो हमेशा उतना पतला बना रहेगा। ठीक, अब एनिमल आपका यहाँ पे इंगल्फ करके अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक, एनिमल इंगल्फ करके अंदर की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे जो ये एयर की जो ये पाइप है कार्टिलेज की बनी हुई, उसमें एयर पास होती रहेगी जिससे ये यहाँ पे ब्रीदिंग कभी भी इंटरप्ट नहीं होगी इन जो है आपका स्नेक्स में। ठीक है, स्नेक्स में कभी भी ब्रीदिंग इंटरप्ट नहीं होगी इन सारे अडॉप्टेशन के कारण। तो हम लोग बात करेंगे ड्यूरिंग द स्वॉलोइंग प्रोसेस, जो भी आपके कर्व्ड टीथ पाए जाते हैं इस तरीके से जॉ में, ठीक है, इस तरीके से जॉ में जो भी कर्व टीथ अंदर की तरफ कर्व टीथ पाए जाते हैं, ये कर्व टीथ एनिमल को, ठीक है, बाहर नहीं गिरने देते हैं, ठीक है, वो अंदर की तरफ ही पुशअप करते हैं इन स्नेक्स। तो ये चीज़ आपकी जो है देख लीजिएगा, फीडिंग मैकेनिज्म में ही कर्व टीथ जो होते हैं, कर्व टीथ ये आपके एनिमल को बाहर नहीं गिरने देते, ये अंदर की तरफ ही पुशअप करते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे बाइटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो आपका जो आपने फीडिंग मैकेनिज्म देखा, फीडिंग मैकेनिज्म के अडॉप्टेशन को समझा, अब हम देखेंगे कि बाइटिंग मैकेनिज्म कैसे होती है। तो बाइटिंग नाम से पता चल रहा है मीन्स काटने की मैकेनिज्म। ठीक, तो आपका जो पॉइजनस स्नेक होता है, ठीक, तो वो जो काटता है तो उस एनिमल के अंदर जो है पॉइजन इंसर्ट करता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अपने वेनम को इंसर्ट करता है। वेनम एक ऐसा जो है आपका सलाइवरी ग्लैंड का ही सलाइवी ग्लैंड का ही प्रोडक्ट है, सलाइवा है, मीन्स जैसे हम लोग बोल रहे हैं लगातार हमारी उसमें जो है कुछ यहाँ पे डक्ट्स, कुछ यहाँ पे हमारी ग्लैंड्स होती हैं, तो हम लोगों में कुछ लेबियल और पैरोटिड ग्लैंड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो लगातार हमारी बॉडी में सलाइवा का सिक्रीशन, जो लगातार हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन करती रहती हैं, तो उसी तरीके से जो स्नेक्स में होता है ये पैरोटिड, और अगर हम बात करें आपकी ये ग्लैंड्स ये कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, पॉइजन ग्लैंड्स में, तो वो वहाँ पे जो सलाइवा होता है उनका वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो ग्लैंड्स के जरिए आपका पॉइजन जो है पॉइजन आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्नेक्स में ये पॉइजनस अपरेटस कैसा होता है। तो आपका ये पॉइजनस अपरेटस जो है वो स्नेक के हेड में पाया जाता है, पॉइजनस स्नेक के हेड में। यहाँ पे आपका एक पेयर, ठीक है, दोनों तरफ एक पेयर पॉइजन ग्लैंड होता है हेड में, अगर हम बात करें दोनों साइड, और उनकी डक्ट्स होती हैं, जो डक्ट आकर के इस तरीके से आप देखेंगे अभी इस तरीके से इसमें ये बड़े बड़े फैंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फैंग्स दोनों तरफ होंगे, आप सपोज करिए जैसे ये, ठीक है, जैसे अगर सपोज मैं एक स्नेक हूँ तो ये इस तरीके से दोनों फैंग्स निकले होते, तो यहाँ एक ग्लैंड होती, दूसरी ग्लैंड यहाँ होती, तो दोनों ग्लैंड से जो है आ करके दोनों ग्लैंड से सिक्रीट हो, इस तरीके से हमारी यहाँ ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि हमारे माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन कर रही है, बट आपका स्नेक्स में ये कन्वर्ट हो जाती है पॉइजनस ग्लैंड में। ठीक है, तो आपका वहाँ पे जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो पॉइजन के फॉर्म में होता है इन पॉइजनस ग्लैंड में। तो इस तरीके से जो फैंग्स लगे होंगे तो ये इस तरीके से आपका इस सलाइवा का सिक्रीशन फैंग्स आ करके कई कैनाल के जरिए, और हो सकता हो आपके ये फैंग्स जो लगे हुए, मतलब बड़े बड़े नुकीले दांत जो लगे हुए हैं, उन दांत के अंदर भी कैनाल बनी होगी। किसी किसी दांत के अंदर, अभी हम देखेंगे टाइप्स में, किसी किसी दांत के अंदर कैनाल बनी होगी, किसी किसी दांत के अंदर कैनाल ना होकर के ग्रूव होगा केवल, सपोज जैसे खाच होगी, केवल एक नाली बनी होगी, आप इसके ऊपर से केवल एक काट दीजिए, जैसे अगर आप पेन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस तरीके से खाचे बनी हुई है, तो एक नाली जैसी बनी होगी बस, सपोज ये है, ये कोई दांत है तो इसमें ऐसी नाली बनी होगी, कोई अंदर की तरफ से कैनाल नहीं है, कैनाल का मतलब होता है जो दोनों तरफ से बंद रहे, लेकिन जो आपकी खाच होगी वो इस तरीके से ओपन होगी, ठीक है, उसके इस फैंग्स के ऊपर होगी और खुली हुई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों तरफ से ये आ करके इसके साथ जो है इनकी डक्ट होगी, जो अपने पॉइजन को डक्ट के जरिए ला करके फैंग्स में सिक्रेट कर देगी। ठीक है, और इसी के साथ जो भी हमारा ये पॉइजनस
हमारे जो ग्लैंड है उसी ग्लैंड के पीछे हमारी कुछ मसल्स लगी होंगी, जिन मसल के कॉन्ट्रैक्शन से, ठीक है, जिन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और आपका रिलैक्सेशन की वजह से जो है क्या होगा, ये सलाइवा होगा वो फैंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है, या जो पॉइजन होगा वो फैंग्स के अंदर जाएगा। तो इस तरीके से आपके पॉइजन अपरेटस में चार पार्ट होते हैं, पेयर ऑफ पॉइजन ग्लैंड, डक्ट एंड फैंग्स एंड मसल्स। तो वन बाई वन करके हम इसको डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, दीज पॉइजनस ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द अपर जॉ में प्रेजेंट होंगी ये पॉइजन ग्लैंड। और अगर हम बात करें, ये आई के नीचे होती है और जस्ट बिहाइंड द आई, ठीक है, कहीं किसी किसी स्नेक में ये आई के नीचे हो सकती है, किसी किसी स्नेक में ये आई के पीछे भी हो सकती है। अभी आपको बताया कि ये जो है आपका मॉडिफिकेशन हो सकता है पैरोटिड ग्लैंड का, ठीक है, और लेबियल ग्लैंड का, जो कि हम लोगों में पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती है जो सलाइवा का सिक्रीशन करती है। सभी ग्लैंड्स जो ये पॉइजन ग्लैंड होती है, ये जो है ओवल शेप में भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि स्नेक जो है कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो ईच ग्लैंड इज इनकैप्सुलेटेड विथ और कवर्ड बाई, जो है कवर्ड बाई मसल्स, दैट मसल्स इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, ठीक है। तो ये कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से जो है कवर्ड होती, इनकैप्सुलेटेड होती है, मीन्स कॉन्स्ट्रिक्टर मसल से ये बधी हुई है। जब आपका फ्लेक्सर मसल ऑल्सो कॉल्ड टेम्पोरल मसल, तो जब भी अपने माउथ को ओपन करेगा तो ये जो है एक्सपेंड होगी, और ठीक है, और जैसे ये एक्सपेंड होगी तो ये इस पर दबाव डालेगी और ये पॉइजन ग्लैंड आपकी स्क्वीज होगी, मीन्स ये पिचकेगी और अपने प्रोडक्ट को जो है फिर ये फाइनली डक्ट में भेजेगी। तो जब भी आपका स्नेक माउथ को ओपन करेगा पूरी तरीके से, तब इसमें जो है ये इनलार्जमेंट होगा इन मसल्स में, का स्ट्रेचिंग होगी, ठीक, और जब इन मसल्स में स्ट्रेचिंग होगी तो ये आपका ये स्ट्रेच होगा तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, ग्लैंड जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, मीन्स ग्लैंड दबेगी और अपने पॉइजन को डक्ट में जो है भेजेगी। हम लोग देखेंगे पॉइजन डक्ट, पॉइजन डक्ट, पॉइजन ग्लैंड से एक नैरो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर निकल करके फैंग्स के बेस तक आया हुआ है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पॉइजन डक्ट, जो फैंग के बेस तक आया है। अब ये फर्दर आगे की तरफ फैंग्स में कैनाल में इंटर करेगी, डिपेंड करेगा, और ग्रूव में इंटर करेगी, ये डिपेंड करेगा कि फैंग्स का टाइप कैसा है। तो नेक्स्ट है आपका फैंग्स, फैंग्स आर द स्पेशलाइज्ड टीथ, ठीक है, फैंग्स आपके स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जो कि आपके मैक्सिला बोन से अटैच होते हैं, ठीक है, आपकी जो ऊपर की जॉ की बोन होती है मैक्सिला बोन से ये फैंग्स अटैच होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जो कि कर्व्ड होते हैं, ठीक है, कुछ कर्व्ड होते हैं, इस तरीके से मुड़े हुए होते हैं, ठीक, कर्व्ड होते हैं। और ये अगर हम बात करें, किसी किसी स्नेक में ये कर्व्ड होकर अंदर की तरफ जो है माउथ की कैविटी में जाकर के चिपक जाते हैं, और किसी किसी स्नेक में ये हमेशा जो है सीधे खड़े रहते हैं। और ये सर, ये एक हाइपोडर्मिक नीडल की तरह वर्क करते हैं, ठीक है, हाइपोडर्मिक नीडल की मतलब का मतलब कि वो किसी बॉडी, किसी भी पर्सन की बॉडी में, जिसकी बॉडी में जो है पॉइजन को इंजेक्ट करना है, वहाँ पे ये नीडल की तरह जो है उनके डर्मिस में जो है धंस सके, ठीक है, ये तो दीज आर द हाइपोडर्मिक नीडल्स। जब आपके ये फैंग्स डैमेज्ड हो जाते हैं तो इनकी ये रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है, प्रीवियस पीछे के जो टीथ होते हैं वो फैंग्स में रिप्लेस हो जाते हैं इन स्नेक्स, ठीक। तो आपके पॉइजनस ग्लैंड में तीन तरीके के फैंग्स पाए जाते हैं। तो नंबर वन है आपका सोलेनोग्लाइफस, तो दिस फैंग्स इज प्रेजेंट इन वाइपर एंड रैटल स्नेक, ये वाइपर और रैटल स्नेक में पाया जाता है। और ये जो आपके फैंग्स होते हैं काफ़ी लंबे स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं जो कि अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये कर्व्ड होते हैं। और जैसे ही ये स्नेक अपने माउथ को बंद करता है तो ये जो फैंग्स होते हैं ये कर्व्ड होकर के माउथ के रूफ में जाकर के लग जाते हैं, ठीक, और बंद हो जाते हैं इस तरीके से। और हम बात करें तो ये आपके रिप्लेसेबल होते हैं, मींस जो भी आपके पुराने ये टूट जाए या डैमेज हो जाए तो इसकी जगह पे दूसरे टीथ जो है आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सोलेनो मींस आपका होता है पाइप एंड ग्लाइफस मींस हॉलोड, मींस आपका एक पाइप, इसके अंदर एक पाइप और हॉलो संरचना होगी, ठीक है, इसके अंदर एक पाइप और कोई हॉलो स्पेस होगा, एंड इस हॉलो पाइप और स्पेस की स्पेस में आपका इस तरीके से पॉइजन जो है जाएगा। तो इसके अंदर एक पाइप जैसे स्ट्रक्चर होगा और इस पाइप जैसे अंदर स्पेस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग सोलेनोग्लाइफस टाइप फैंग्स बोलेंगे। तो इस तरह का जो फैंग्स होगा तो आपका जो भी डक्ट होगी, ठीक है, डक्ट एंटीरियरली आकर के ये पाइप से अटैच हो जाएगी, ठीक,
इस तरीके से डक्ट आएगी और अपने पॉइजन को इस फैंग्स में इंसर्ट कर देगी। ठीक, तो इस तरीके का फैंग्स आपका वाइपर्स में और रेटल्स में पाया जाता है। द नेक्स्ट टाइप इज प्रोटीरोग्लाइफस। प्रोटीरोग्लाइफस में बात करें तो ये टीथ, ये फैंग्स आपके स्मॉल होते हैं और मैक्सिला, जो भी आपका मैक्सिला बोन में परमानेंटली इरेक्टेड रहते हैं। ठीक, मतलब ये माउथ बंद होने पर अंदर की तरफ नहीं जाते हैं, परमानेंटली इरेक्टेड रहते हैं। तो ये आपके कोबरा, क्रैट और कोरल स्नेक, सी स्नेक्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी हॉलो स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ठीक है, मीन्स आपका कोई भी पाइप नहीं पाई जाती फैंग्स के अंदर, जबकि आपका सिंपल ये फैंग्स है और फैंग के ऊपर इस तरीके से एक नाली पाई जाएगी, गड्ढा, ठीक है, जो परमानेंटली ओपन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे बात करें कि ग्रूव या नाली का मतलब होता है कि जो ओपन रहती है, ठीक है, आपके फैंग्स के ऊपर से बह रही है। ठीक, ये फैंग्स ने उस नाली को कवर नहीं किया है, मींस हॉलो नहीं है वो कोई पाइप का जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक ग्रूव नाली के जैसा स्ट्रक्चर है इन प्रोटीरोग्लाइफस टाइप में। तो अब आपका जो भी प्रोटीरोग्लाइफस टाइप में जो भी आपका स्नेक होगा जिनके पास ये पाया जाता है, कोबरा, किरेट, और इसमें अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे कैनाल जो अटैच होगी, ये जो भी आपकी पॉइजन डक्ट अटैच होगी, पॉइजन डक्ट अपने पॉइजन को इस नाली के अंदर, इस ग्रूव के अंदर छोड़ देगी और धीरे धीरे जो है वो आपका इजेक्ट कर दिया जाएगा एनिमल की बॉडी में। नेक्स्ट टाइप इज ऑफिस्टोग्लाइफस। ठीक है, अगला जो आपका प्रकार है वो आपका है ऑफिस्टोग्लाइफस। ऑफिस्टोग्लाइफस, तो ऑफिस्टोग्लाइफस टाइप फैंग्स की अगर हम बात करें तो ऑफिस्टो मीन्स होता है पीछे, ठीक है, बैक। तो आपका जब ये फैंग्स मैक्सिला बोन में आगे की तरफ ना होकर के पीछे की तरफ होंगे, ठीक है, थोड़ा पीछे की तरफ लगे होंगे और उसमें ग्रूव पाया जाएगा, ठीक है, जस्ट लाइक प्रोटीरोग्लाइफस, तो इस तरीके के फैंग्स आपके जो है वो ऑफिस्टोग्लाइफस कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बाइटिंग मैकेनिज्म को देखेंगे। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक्स में देखें। तो बाइटिंग मैकेनिज्म ऑफ स्नेक में जो भी आपके यहाँ पे क्वाड्रेट बोन्स, तो मैंने अभी आपको एडॉप्टेशन में बताया कि बोन्स का अपनी मसल्स के साथ, ठीक है, बोन्स का अपने लोअर जॉ स्कल के साथ बहुत ही लूज अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये ब्लैक कलर से मैंने मसल्स दिखाई हुई हैं, जो भी मसल्स यहाँ पे पाई जाती हैं, ये मसल्स बहुत ही जो है होती हैं, इनका जो आर्टिकुलेशन होता है अपने बोन्स के साथ वो बहुत ही मूवेबल होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर हम बात करें कि ये बहुत ज़्यादा जो है अप मूव कर सकती हैं ये मसल्स, इन जो भी मसल्स यहाँ पे बोन के साथ अटैच होती हैं। तो जब भी आपका कोई वाइपर स्ट्राइक करना चाहेगा, इसके जो वाइपर के जो मैंने आपको बताया था फैंग्स होते हैं, ये हमेशा इरेक्टेड नहीं रहते हैं। जब भी ये अपने माउथ को बंद करेगा तो ये इसका जो फैंग्स होते हैं, जो यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है दिस फैंग्स, तो ये फैंग्स जाकर के अपर जॉ में लग जाते हैं, मतलब जाकर के बंद हो जाते हैं। ठीक, और एडॉप्टेशन में मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे ये पैलेट बोन्स होती हैं, ठीक है, जो भी आपके अपर जॉ की पैलेट बोन्स होती हैं, दीज बोन, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये ग्रीन कलर से जो ये बनाया हुआ है दिस वन, जिसमें ये जॉ लगे हुए हैं, जिसमें ये टीथ लगे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड टेरागॉइड मसल, ये टेरागॉइड बोन, ये टेरागॉइड बोन क्वाड्रेट बोन के साथ अटैच है, ठीक है, और इसी टेरागॉइड, ये पूरी टेरागॉइड बोन है, ठीक है, इसी टेरागॉइड बोन के ऊपर आपका इक्टोटेरागॉइड, ठीक है, इक्टोटेरागॉइड ब्लैक कलर से ये जो बोन लगी हुई है दिस वन, ये आपकी इक्टोटेरागॉइड है और ये ग्रीन कलर वाली टेरागॉइड बोन है, ठीक है, दोनों बोन आपस में अटैच है और ये बोन डायरेक्टली क्वाड्रेट बोन से अटैच है, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग, मैंने आपको बताया कि ये सब मूवेबल होती हैं, जो भी आपकी पैलेट बोन होती है वो मूवेबल होती हैं स्नेक्स में। तो जब भी आपका वाइपर, ठीक है, अटैक पोजीशन पे होगा या बाइट करना चाहेगा तो सारे मूवमेंट एक सीरीज में होते हैं, ठीक है, मसल्स के मूवमेंट एक सीरीज में होते हैं, उस सीरीज को हम लोग देखेंगे, दैट सीरीज इज कॉन्ट्रेक्शन इन डाइगेस्ट्रिक मसल्स। आपको बस एग्जाम में ये इतना सा लिखना है, ठीक है, कि आपका डाइगेस्ट्रिक मसल में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जब डाइगेस्ट्रिक मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये माउथ आपका ओपन होगा और जो है ओपन होने के बाद जो लोअर एंड होगा क्वाड्रेट का, ठीक है, मिस क्वाड्रेट का जो लोअर एंड है, यहाँ पे देखिए ये आपका मुंह जब बंद है, ठीक, जब मुंह बंद है तो आपका फैंग्स अंदर की तरफ है
और क्वाड्रेट बोन इस तरीके से तिरछा है। ठीक, अब आप क्या करिए, यहाँ पे जो मसल्स पाई जाएगी दैट मसल्स इज कॉल्ड डाइगेस्ट्रिक मसल्स। अब आप डाइगेस्ट्रिक मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन कर दीजिए, मीन्स इसको सिकोड़ दीजिए। ठीक है, जब आप कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे तो ये ओपन होगा और लोअर एंड जो क्वाड्रेट का होगा ये आपका जी, ठीक है, लोअर एंड ऑफ क्वाड्रेट फॉरवर्ड। ठीक, ये इस तरीके से फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ बढ़ेगा और सीधा हो जाएगा। जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो पुश फॉरवर्ड टेरागॉइड बोन। ठीक है, तब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो देखिए इसने फट से इस टेरागॉइड बोन पे प्रेशर लगाया। ठीक, अब आप सोचिए ये इससे अटैच है, ये सीधा हुआ, ये सब लूज अरेंजमेंट है। जैसे ही ये सीधा होगा, क्वाड्रेट बोन आपकी सीधी होगी तो ये टेरागॉइड को आगे की तरफ पुश करेगा। तो ये सीधा हुआ, इसने टेरागॉइड को आगे की तरफ पुश किया। ठीक, जितनी ज़्यादा ये इरेक्टेड होगी उतना ज़्यादा जो है क्वाड्रेट आपका सीधा होगा, उतना ज़्यादा जो आपकी टेरागॉइड ये ग्रीन कलर वाली बोन है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होगी। वो जब आगे की तरफ फॉरवर्ड होगी ये टेरागॉइड बोन, तो ये आपके ट्रांसफर्स बोन मीन्स ये ब्लैक कलर की जो दिस वन, ये ब्लैक कलर्स की जो इक्टो टेरागॉइड, ये ट्रांसफर्स बोन है जो ये वाली दिस, ठीक है, ये ब्लैक वाली बोन इक्टो टेरागॉइड बोन, ये बोन को जो है आगे की तरफ अपवर्ड, ठीक है, उतना ही ये इसको पीछे की तरफ धकेलेगा और उतना ही जो है हमारा ये माउथ ओपन होगा। अगेन आप इस सीरीज को पूरा सुन लीजिए। ठीक है, ये सपोज ये हमारा माउथ अभी बंद है, सब मसल्स बिल्कुल देखिए ये यहाँ पे इरेक्टेड है, खड़ी हुई है बोन्स, यहाँ पे सब बैठी हुई है। ठीक है, ये भी आपकी लेटी हुई है, क्वाड्रेट जो बोन है वो इस तरीके से आपकी बिल्कुल लेटी हुई है। तो होगा क्या कि डाइजेस्ट्रिक मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, जितना ज़्यादा कॉन्ट्रेक्शन होगा उतना हमारा क्वाड्रेट बोन सीधी होगी, इसका जो लोअर एंड होगा वो फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ेगा, सीधा होगा, ये पुश करेगा हमारी जो है टेरागॉइड बोन को, ये हरी वाली बोन को पुश करेगा, ये हरी वाली बोन ऊपर ब्लैक वाली बोन को आगे की तरफ इरेक्ट करेगी। ठीक है, आगे की तरफ पुश करेगी और हमारी जो ये ट्रांसवर्स बोन है, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। ठीक है, ये टेरागॉइड मसल्स हमारी इक्टो टेरागॉइड को अपवर्ड कर देगी, ठीक, बिल्कुल सीधा कर देगी और ये हमारा माउथ जो है पूरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द इन दिस मसल, अब हमारी जो टेम्पोरलिस मसल है ये पूरी तरीके से फैल गई है। ठीक है, पूरी तरीके से एक्सपेंड हो गई है। जब हमारी टेम्पोरलिस मसल में कॉन्ट्रेक्शन होगा, ठीक, अब आप सोचिए अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये फैल जाएगा, डाइजेस्टिव मसल फैल जाएगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ये मसल फैलेगी और आपका क्वाड्रेट अपनी पोजीशन में, टेरागॉइड अपनी पोजीशन में, इक्टो टेरागॉइड अपनी पोजीशन में आ जाएगा, बिल्कुल इस पहले फिगर के जैसे। तो होप्स आप बात को समझे होंगे, डाइजेस्टिव मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, डाइजेस्टिव मसल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, माउथ ओपन हुआ, क्वाड्रेट सीधा हुआ, नीचे की तरफ फॉरवर्ड हुआ, इसने पुश किया टेरागॉइड को, टेरागॉइड ने पुश किया एक्टो टेरागॉइड को, एक्टा टेरागॉइड अपवर्ड सीधा खड़ा हो गया। ये जितना ज़्यादा सीधा खड़ा होगा उतना ज़्यादा माउथ ओपन होगा। तो इक्टो टेरागॉइड सीधा हुआ, इसने जो है जो हमारी ये मैगजिला की बोन है, मैगजिला की बोन को फिर प्रेशअप किया और मैगजिला यानी फैंग्स जो है, ये हमारा मैगजिला की बोन को जब प्रेशअप हुआ तो ये खोल गई। तो आपको याद होगा कि इसी मैगजिला की बोन के पास यहीं पे हमारा जो है एक दूसरी मसल है, दैट मसल इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, वहाँ पे हमारा पॉइजन ग्लैंड लगा हुआ है, तो वो मसल को धक्का लगेगा और पॉइजन जो है वो फैंग्स में आ जाएगा, और जब पॉइजन फैंग्स में आ जाएगा तो फैम जो है स्नेक उसको ह्यूमन की बॉडी में या किसी जिस भी एनिमल की बॉडी में इजेक्ट आउट कर देगा। ठीक, फिर जब मुंह को बंद करना होगा तो टेम्पोरलिस जो मसल है वो आपकी अभी एक्सपेंड हुई है, ये रिलैक्स होगी, ये रिलैक्स होगी तो ये आपकी एक्सपेंड हो जाएगी डाइगेस्ट्रिक मसल और माउथ जो है आपका बंद हो जाएगा। आपका क्वाड्रेट अपनी पोजीशन में, क्वाड्रेट अपनी पोजीशन में आएगा तो टेरागॉइड अपनी पोजीशन में आएगा, टेरागॉइड अपनी पोजीशन में आएगा तो इक्टो टेरागॉइड अपने आप अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो होप्स आप बाइटिंग मैकेनिज्म को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक की प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे।